हेलो एंड वेलकम टू लॉन्च फॉर एजुकेशन यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने अपनी एनुअल रिपोर्ट रिलीज़ की है और इस रिपोर्ट में इंडिया के बारे में काफ़ी नेगेटिव ओपिनियंस दिए हैं इस रिपोर्ट ने ये कमेंट किया है कि इंडिया में रिलीजियस फ्रीडम का हाल काफ़ी ख़राब है और इंडियन गवर्नमेंट रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं कर रही तो कुछ सीरियस एक्विजेशन इंडियन गवर्नमेंट पे लगाए हैं यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने अपनी दो की एनुअल रिपोर्ट पे एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू नो वॉट इज दस कमीशन और ये रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट हर साल क्या स्टेट करती है और इस रिपोर्ट का इम्पैक्ट क्या होगा इंडिया की ग्लोबल स्टैंडिंग पे इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशन पे यू माइट बी अवेयर कुछ अरब कंट्रीज ने ये कंसर्न रेज किया था दैट इंडिया में रिलीजियस फ्रीडम घटती जा रही है और इंडिया में माइनॉरिटीज के साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं हो रहा आफ्टर अरब कंट्रीज दिस रिपोर्ट हैज कम सो लेट एस नो वॉट दिस कमीशन हैज और इस रिपोर्ट का क्या इंपैक्ट होगा यूएस एस गवर्नमेंट के बिहेवियर पर यूएस इंडिया रिलेशन पे और इंडिया की ग्लोबल स्टैंडिंग पे इंडिया की रेपुटेशन पे सो लॉट हैज़ बिन सेड इन दिस रिपोर्ट अबाउट इंडिया फॉर एग्जाम्पल दे आर सेट दैट इट इज़ द फर्स्ट टाइम सिंस टू थाउजेंड फोर दैट दिस कमीशन हैज़ रिकमेंडेड इंडिया एज अ कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न वी विल डिस्कस लेटर ऑन वॉट आर दीज कंट्रीज क्या कैटेगरीज हैं जो ये कमीशन डिफरेंट कंट्रीज़ को देती है

इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स को लेके इंडिया ने क्या कहा है वो भी हम डिस्कस करेंगे सो लेट अस स्टार्ट आर डिस्कशन बाय डिस्कसिंग व्हाट इज दिस कमीशन द कमीशन इट हैज रिलीज द इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट फॉर 2020 1998 में अमेरिका में इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट पास हुआ था और इस एक्ट के तहत ये कमीशन बनाई गई एंड दिस इज एन इंडिपेंडेंट बाय फेडरल गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट एंटिटी में कहीं भी रिलीजियस फ्रीडम को खतरा हो चाहे वो किसी कंट्री से हो कंट्री के गा किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से हो ये कमीशन जिसमें अमेरिका की दोनों पार्टी के लोग हैं एंड दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट ये कमीशन मॉनिटर करती है एनालाइज करती है और इन थ्रेट्स के बारे में रिपोर्ट करती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फाइंडिंग्स This commission makes policy recommendations to United States President, the Secretary of State and Congress. तो अमेरिका के राष्ट्रपति को इंडिया में मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, जिनको हम फॉरेन मिनिस्टर भी बोलते हैं इन अमेरिका इट इज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड द डिपार्टमेंट हेडेड बाय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इज स्टेट डिपार्टमेंट इसके अलावा वहां की कांग्रेस को जो वहां की लेजिस्लेचर है उसको रिकमेंडेशन भेजती है यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम हालांकि ये रिकमेंडेशन यूएस गवर्नमेंट पे या कांग्रेस पे बाइंडिंग नहीं है तो उनकी मर्जी है इन रिकमेंडेशन को मानना इम्प्लीमेंट करना या ना करना और क्योंकि इंडिया और यूएस का अच्छा रिलेशन है इस टाइम पे तो इसके चांसेस बहुत कम है कि यूएस गवर्नमेंट या यूएस प्रेजिडेंट या यूएस कांग्रेस कुछ एक्शन लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिपोर्ट तो 2020 की जो रिपोर्ट है उसने भी रिकमेंडेशन सेंड की हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट को वहां के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एंड वहां की कांग्रेस को 2020 की रिपोर्ट ने उन कंट्रीज को जहां पर रिलीजियस फ्रीडम को खतरा है दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है और इस कमीशन ने यूएस स्टेट डिपार्टमेंट को ये रिकमेंडेशन दी है कि कुछ कंट्रीज को कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न डेजिग्नेट कर दिया जाना चाहिए और कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न वो कंट्रीज हैं जहां पे गवर्नमेंट रिलीजियस फ्रीडम की वायोलेशन को टॉलरेट कर रही है

सो दिस कैटेगरी इज मोर अवेयर तो अगर कोई कंट्री कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न लिस्ट में है दैट मीनस उस कंट्री में रिलीजियस फ्रीडम की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं है वहां की सरकार रिलीजियस फ्रीडम के खिलाफ जो भी एक्शन हो रहे हैं जो भी वॉयेशन हो रही हैं उनको टॉलोरेट कर रही है और उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले रही दिस वन इज मोर अवेयर एज कंपेयर टू एस डब्ल्यू एल और द स्पेशल वॉच लिस्ट तो इस कमीशन ने किन कंट्रीज को कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न में कैटेगराइज किया है एंड किन कंट्रीज को स्पेशल वॉच लिस्ट में डाला है वी विल सी दिस नाउ सो दीज आर द कंट्रीज जिनको कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न कैटेगराइज किया है 2020 की रिपोर्ट ने यूएस स्टेट डिपार्टमेंट को रेकमेंड किया कि बर्मा चाइना एरिट्री ईरान नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान सऊदी अरेबिया तजिकिस्तान इंडिया नाइजीरिया रशिया सीरिया वियतनाम एंड तुर्कमेनिस्तान इन सभी कंट्रीज को कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न माना जाए सो इंडिया हैज़ बिन प्लेस्ड अलोंग साइड नॉर्थ कोरिया ईरान सऊदी अरेबिया चाइना पाकिस्तान दीज कंट्रीज़ जहाँ पे बिल्कुल भी फ्रीडम्स नहीं है एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन तो बिल्कुल ही नहीं है कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान जहाँ पे ब्लास्मी लॉज हैं जिसकी वजह से वहाँ की माइनॉरिटीज़ को काफ़ी पर्सिक्यूशन का सामना करना पड़ता है और इंडिया को भी इसी कैटेगरी में डाला है इस साल की रिपोर्ट ने इंडिया को इन सभी कंट्रीज़ के साथ कैटेगराइज करने के बहुत सारे रीजंस दिए हैं इस कमीशन ने वी विल सी दैट सो दीज़ आर द कंट्रीज़ ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न इंक्लूडिंग इंडिया द कंट्रीज़ ऑन स्पेशल वॉच लिस्ट है दीज आर क्यूबा निकारगवा सूडान उजबेकिस्तान अफगानिस्तान अलजीरिया अजरबाइजान बहरीन सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक ईजिप्ट इंडोनेशिया इराक कजाकिस्तान मलेशिया एंड टर्की तो ये लिस्ट थोड़ी कम सवेर है एज़ कंपेयर टू कंट्रीज़ ऑफ़ पर्टिकुलर कंसर्न ये सभी कंट्रीज़ को स्पेशल वॉच लिस्ट में डाला है इस कमीशन ने इसके अलावा कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स को एंटिटीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न कैटेगराइज किया है नॉन स्टेट एक्टर्स आर बेसिकली द एंटिटीज और ऑर्गेनाइजेशंस विच आर नॉट रिलेटेड टू गवर्नमेंट तो ये सरकारें नहीं है किसी देश की मोस्टली ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं इस लिस्ट में लाइक अल शबाब ऑफ सोमालिया बोको हराम जो नाइजीरिया में टेररिस्ट ग्रुप है हुदीज इन यमन इस्लामिक स्टेट की अफगानिस्तान में जो आम है आई एस के पी एंड तालिबान इन अफगानिस्तान सो दीज आर द एंटिटीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न इस कमीशन ने कुछ रिकमेंडेशन दी हैं कि इन कंट्रीज के खिलाफ क्या एक्शन लेना चाहिए सो दिस रिपोर्ट हैज रिकमेंडेड टू दू एस एडमिनिस्ट्रेशन टू इंक्रीज द यूज ऑफ टारगेटेड टारैक्शन अमेरिकन गवर्नमेंट की ये पॉलिसी रही है ईरान के खिलाफ नॉर्थ कोरिया के खिलाफ और जो भी उनके एनिमी स्टेट्स हैं और एनिमी ऑर्गेनाइजेशन हैं या एनिमी इंडिविजुअल्स हैं उनके खिलाफ सेंक्शन लगाना इस रिपोर्ट ने यही रिकमेंड किया है कि इन कंट्रीज के खिलाफ इन ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ सेंक्शन लगाए जाएं टू डेटर

इस कमीशन ने रेकमेंड किया है कि यूएस सरकार को इन कंट्रीज के खिलाफ और इन ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ रिलीजियस फ्रीडम्स वायलेट करने के लिए लेने चाहिए एंड इट हैज अमेरिकन पार्लियामेंट को यह रिकमेंडेशन है कि जो भी पॉलिसी टूल अवेलेबल है सरकार के पास उनको रिव्यू किया जाए उनको इवेल्युएट किया जाए ऐसे एक्शन लेने के लिए ताकि इन रिलीजियस फ्रीडम की वायोलेशन को रोका जा सके एंड दिस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम इट हैज पर्टिकुलरली समथिंग फॉर इंडियन गवर्नमेंट एंड दे अलावा इंडिया के बारे में इस रिपोर्ट ने क्या कहा है इट द फर्स्ट टाइम फोर दैट दिस रिकमेंडेड इंडिया एज अ कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न तो 2020 में इंडिया में ऐसा क्या हुआ दैट इंडिया एज अगेन इन कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न तो कमीशन का कहना है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो इंडिया में पास हुआ इट हैज़ अ पोटेंशियल टू एक्सपोज मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स टू डिटेंशन डेपोटेशन एंड स्टेटलेसनेस

सो दीज पीपल आर गोइंग टू बिकम स्टेटलेस इनका कोई भी देश नहीं रहेगा इसके अलावा इंडिया में कुछ इंटरफेथ वॉयलेंस हुई है तो उसपे कमीशन के चेयरपर्सन ही सेट दैट वी आर सी इम्प्यूनिटी फॉर वायलेंस बाय नॉन स्टेट एक्टर्स कमिटेड अगेंस्ट रिलीजियस माइनॉरिटीज दैट मीनस इंडियन गवर्नमेंट एक्शन नहीं देती जब भी रिलीजियस माइनॉरिटीज के खिलाफ कुछ वॉयलेंट एक्ट होता है बाई नॉन स्टेट एक्टर्स बाय इंडिविजुअल फ्रेंज एलिमेंट्स बाय नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन तो ये कुछ रीजन्स हैं जो कमीशन को लगता है रिप्रेजेंट करते हैं कि इंडिया में रिलीजियस फ्रीडम को खतरा है एंड इट इज गेटिंग डिटेरिटेड और इस कमीशन ने यह भी कमेंट किया कि दुनिया में सबसे ज्यादा गिरावट अगर किसी देश में आई है रिलीजियस फ्रीडम्स को लेके तो वो इंडिया में आई है सो इट इज अ स्टीपेस्ट एंड मोस्ट अलार्मिंग डिटेरियोरेशन इन रिलीजियस फ्रीडम इन द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड अब इंडिया में जब भी इलेक्शंस होते हैं तो सभी पॉलिटिशियंस बहुत सारी स्टेटमेंट्स देते हैं उनमें से कुछ स्टेटमेंट्स को भी इस रिपोर्ट ने कोट किया एंड दे हैव द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर अमित शाह और इस कमीशन का कहना है कि होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इलीगल माइग्रेंट्स को टर्माइट्स दीमक के साथ कंपेयर किया जिनको मिटा दिया जाएगा द टर्माइट्स दैट आर गोइंग टू बी इराडिकेटेड इसके अलावा उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ He has pledged revenge against NTCAA protesters and हीज प्लेज रिज अगेंस्ट एन टी सी ए प्रोटेस्टर्स एंड स्टेटेड कुछ स्टेटमेंट दी गई थी political leaders द्वारा और इस रिपोर्ट ने इन स्टेटमेंट्स पे ध्यान देते हुए इनको कोट किया है और इनको कारण माना है जो इंडिया में रिलीजियस फ्रीडम्स कम हो रही हैं, गिर रही हैं। इसके बाद इस रिपोर्ट ने दिल्ली में हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में हुए दंगों को कोट किया है एंड दे and they have said that

and the spokesperson of mea ministry of external affairs he said that we reject the observations on india in the united states commission on international religious freedom report it is biased and tendentious comments against india are not new but on this occasion its misrepresentation has reached new levels its report made india ko country of particular concern bataya

यूजली जब भी ये कमीशन किसी गवर्नमेंट को कहेगी कि रिलीजियस फ्रीडम्स ख़राब हो रही हैं इंडिया में या किसी भी कंट्री में तो वहाँ की रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ एक स्टेटमेंट है एंड एवरी रूलिंग गवर्नमेंट इन इंडिया और इवन अदर कंट्रीज दे मोस्टली डिसएग्री विद वॉट दिस रिपोर्ट हैज टू से तो इंडियन गवर्नमेंट ने इस कमीशन को एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न बताया बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट दिस कमीशन इज गोइंग टू मेक ग्लोबल हेडलाइंस एंड इंडिया इज रेस्पेक्टेड ग्लोबली बिकॉज ऑफ इट्स वैल्यूज इंडियन आर रेस्पेक्टेड वर्ल्ड वाइड सो एक मैसेज जरूर जाएगा बट इंडियन गवर्नमेंट ने इसको रिजेक्ट किया है रिपोर्ट को एंड द चेयरपर्सन ऑफ दिस कमीशन ही हैज ऑल्सो सेट दैट फ्रेंड्स पॉइंट आउट वीकनेसेज अमंगस सो दैट दे बिकम स्ट्रांग कमीशन के चेयरमैन का कहना है कि हम अपने दोस्त इंडिया को उसकी खामियां बता रहे हैं उसकी वीकनेसेस बता रहे हैं ताकि वो उनपे काम कर सकें और वो और स्ट्रांग हो सकें the chairperson of this commission is tony perkins here on twitter handle here so this was everything that you needed to know about this report don't forget to like the video and share it with your friends who are preparing thank you for watching and have a good day